Good morning, students. I hope you will be healthy and happy at your home. Today we solve Miss Calendula's exercise of chapter number 2. तो उसका क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. इसमें क्वेश्चंस हैं टोटल 20. तो 20 और 19 क्वेश्चंस इजी हैं. केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है और टाइप्स ऑफ डेसिमल, ठीक है ना. रेशनल इरेशनल बहुत इजी है. नहीं आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करते हैं अपन. उल्टा चल रहे हैं, शुरुआत के इजी है क्वेश्चन, पीछे के थोड़े सब्जेक्टिव है, आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. Our rectangular court is of dimension 18 meter 72 centimeter. इसको पढ़ते हैं by 13 meter 20 centimeter. Square tiles of same dimensions are used to cover it. Find the minimum number of first tile. तो question को देख के first of view में ऐसा लगता है कि यहाँ पे minimum word use हुआ है. So we should find LCM of the given number. But in this question, minimum number of tiles है. टाइल कम से कम चाहिए एक रेक्टेंगुलर कोर्ट को कवर करने के लिए. तो अब बेटा एक बात बताइए, टाइल कम से कम कब लगेंगे? जब टाइल का जो साइज होगा वो ग्रेटेस्ट होगा. बड़े से बड़े साइज का अपन टाइल लगाएंगे तब जाके मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी. या तो नो, तो इट्स मीन्स हमें स्क्वायर टाइल जो है उसकी जो साइज है वो ग्रेटेस्ट रखनी है, बड़ी से बड़ी रखनी है, तब जाके मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स अपन यूज करेंगे उस कवर रेक्टेंगुलर पोर्च को कवर करने के लिए. क्लियर? तो यहाँ पे साइज जो आ रही है वो कैसी निकल के आ रही है? ग्रेटेस्ट. तो इस ग्रेटेस्ट वर्ड के कारण हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करते हैं. एलसीएम मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है उसने, और गिवन क्या है? साइड गिवन है. तो साइड तो ग्रेटेस्ट आ रही है अपनी, स्क्वायर टाइल की साइड कैसी आ रही है निकल के? ग्रेटेस्ट. क्योंकि जब स्क्वायर टाइल की साइड ग्रेटेस्ट होगी तभी जाके मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सॉल्यूशन ले गए हैं. वी नीड टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल. यही चाहिए ना? इट कैन बी हैपन ओनली व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज ग्रेटेस्ट. सो वी नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर. ये पूरा मिला के एक ही नंबर है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर. ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. क्लियर? या अपन ऐसे लिख सकते हैं 1872 सेंटीमीटर. इनको मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करके और सेंटीमीटर ऐड कर दिए, ठीक है ना भाई. अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए तो इनका अपन एचसीएफ फाइंड करेंगे. तो 1872 मैंने क्या निकाले, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले. 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 3 6, 3 3 9, 2 3 9 27, अगेन 3 3 1 3, 3 3 9, और 13 7. फिर मैंने निकाला 1 3 2 0, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए, 2 6 12, 1 2 6 12, फिर अगेन 2 3 13, अगेन 2 2 1 2,
1 carry, 2 6 are 12, 1 2 5 are 10, 3 say 3 5 are 15, 1 carry, 3 5 are 15. Again 5 say 11 or 11 say 1. फिर अपन लिखते हैं 1872 इंटू कितना लिखते हैं प्राइम नंबर की पावर के फॉर्म में, तो 1 2 3 4 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 13 रेज टू पावर 1 1320 2 raise to power कितना आएगा देखो 1 2 3 2 raise to power 3 multiply 3 raise to power 1 multiply 5 raise to power 1 multiply 11 raise to power 1 hence HCF equal to HCF क्या होता है सबसे पहले तो common factor लिखो तो एक तो 2 है common factor और एक 3 है common factor फिर इनकी लीस्ट पावर तो यहाँ पे पावर 4 है यहाँ पे पावर 3 है तो बेटा लीस्ट कितनी हुई बताओ 3 तो 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगा और 3 की 2 है और 1 है तो लीस्ट कितनी हुई 1 तो आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 का मीनिंग होता है 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अभी क्वेश्चन को गौर से देखो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सब साइड हमें टाइल के नंबर फाइंड करने हैं टाइल की साइड फाइंड नहीं करनी और ये क्या आई टाइल की साइड आई क्या आई उस ग्रेटेस्ट टाइल की साइड आई जिसको हमको रेक्टेंगुलर पोर्च में लगाना है अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं ये अपन छोटी क्लासों में कर चुके हैं मैंने बताया अभी था कि जिसका एरिया बड़ा है उसमें छोटे एरिया वाले का डिवाइड करते हैं यानी ग्रेटेस्ट जिसमें अपन को टाइल लगानी है उसके एरिया में एक टाइल के एरिया का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाते हैं जैसे क्वेश्चन आते हैं अपन को एक वॉल बनानी है दीवार उसमें ब्रिक्स लगानी है ईंट तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछता है तो अपन क्या करते हैं दीवार का वॉल्यूम निकालते हैं वॉल का वॉल्यूम और उसमें एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाते हैं नंबर हमेशा ऐसे ही निकाले जाते हैं ठीक है ना भाई जो चीज बड़ी है उसके एरिया में या वॉल्यूम में जो चीज छोटी है उसके एरिया या वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे तो नंबर आ जाएंगे क्या आ जाएंगे नंबर तो फिर यहाँ लिखे अपन इसको नोट कर लेना बेटा ठीक है ना And number of tiles equal to होगा area of rectangular porch divided by area of square tiles ठीक है ना भाई अब रेक्टेंगुलर पोर्च हो या रेक्टेंगुलर रूम हो या कुछ भी हो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ अब ये लेंथ गिवन थी ये ब्रेथ गिवन थी तो ये आ जाएगा 1872 मल्टीप्लाई 1320 और डिवाइडेड बाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड क्या होता है बेटा साइड मल्टीप्लाई बाई साइड तो देखो साइड निकल के आई मेरी 24 तो मैं क्या लिखूंगा 24 मल्टीप्लाई बाई 24 इज दैट क्लियर अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन फोर से कैंसिल आउट करता है फोर सिक्स 24 फोर थ्री 12 वन कैरी फोर थ्री 12 जीरो ऐसे इसको भी 4 से कर रहे हैं 4 6 24 कितना आ जाएगा 4 4 16
टू बचा 27 हो गया, 4 6 24, 3 4 8 32, तो ये आ गया 4 6 8 × 330 डिवाइडेड बाई 6 × 6, 6 और कैंसिल आउट कर दिया, 6 5 30, कितना बचा 3 6 5 30, फिर इसको भी कर दिया 6 7 42 और 6 8 48, तो आंसर आ जाएगा 78 × 55, मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 17, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर 306 एंड 657 इज 9 देन फाइंड देयर एलसीएम। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था जो 30 जून को लगा था, ठीक है ना भाई, तो इसमें अपन को डायरेक्ट एलसीएम फाइंड नहीं करना है, इनमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का यूज करना है। सॉल्यूशन देखें कैसे करना है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा। सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, इस रिलेशन का यूज करके एलसीएम निकालना है, तो यहाँ से एलसीएम निकालना है तो मैं एचसीएफ का इधर क्या कर दूंगा बेटा, डिवाइड। सो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और नंबर कितने, ओनली टू, टू के लिए एप्लीकेबल है ये, स्पेशल ध्यान रखना टू के लिए, डिवाइडेड बाई एचसीएफ। अगर थ्री नंबर का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछ रहा है तो वो थ्री नंबर का तो फिर एलसीएम निकालना ही पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये जो रिलेशन है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर टू नंबर, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नंबर दे रखे हैं 306 × 657 और एचसीएफ गिवन है 9, कितना 9, तो 9 से मैं कैंसिल आउट कर दूं इसको, 9 7 63, 2 बचा 9 3 27, तो 306 × 73, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा, क्लियर है बेटा, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ही है, ये भी आ भी चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब वाई 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर, सॉल्यूशन देखा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से एक आएगा कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये डिस्क्राइब करना है। कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, क्या मैं लिख दूं यहां पे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होते हैं नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर वे सभी नंबर कैसे बोले जाएंगे, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है बेटा 4, क्लियर। ये आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं है, केवल अपनी सुविधा के लिए कि हमको वापस कभी रिवाइज करें तो ध्यान रहे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसके लिए आप अलग से मेंशन करेंगे, सॉल्यूशन में ये शामिल नहीं है।
सॉल्यूशन तो अपन डायरेक्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर लिया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, सबसे पहले इसको कंपोजिट प्रूफ करेंगे, तो मैंने इसको पलट के लिख लिया 13 प्लस 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, लिख सकते हैं या नहीं, बोलो यस और नो। फिर मैंने क्या किया, ये प्लस या माइनस से टर्म्स अलग होती है, तो एक टर्म तो ये रही और एक टर्म पूरा मिला के ये हो गई, मल्टीप्लाई से टर्म्स अलग नहीं होती है, मल्टीप्लाई में पूरा एक ही टर्म्स माना जाता है, प्लस या माइनस से टर्म्स अलग होती है। तो इस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स है, पहली टर्म है 13 और दूसरी टर्म है 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, तो मैंने क्या किया इन दोनों टर्म्स में से 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो 1 बचेगा और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 7 बचेगा, तो बेटा ये हो गया 13 और 1 प्लस 77, तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 78, या लिखेंगे सिंस गिवन नंबर has 13 and 78 as a factor, so it is composite number, क्योंकि 1 और नंबर एक साइड, ये दो फैक्टर तो अरे के होते ही हैं, इनके अदर देन 13 फैक्टर आ गया 78 फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, या लिख देना सिंस गिवन नंबर हैज, इसकी जगह मोर देन क्या लिख सकते हैं, मोर देन टू फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है ना भाई, इसको नहीं लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं मोर देन टू फैक्टर सो इट इज कंपोजिट नंबर, इनको मत लिखो भले, और इनको लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 13 और 78 फैक्टर है और 1 और नंबर एक साइड दो फैक्टर सबके होते ही होते हैं, तो इसका मतलब 2 और 2 4 फैक्टर तो है ही, वैसे अपन 78 के फैक्टर निकालें तो और भी आ जाएंगे फैक्टर, ठीक है ना भाई। फिर अपन सेकेंड नंबर को करते हैं कंपोजिट प्रूफ, इसी तरीके से सेकेंड नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, इसमें भी वही है, इसको मैंने पलट के लिखा 5 प्लस, देखो ये पूरा मिला के एक ही नंबर है, तो इसको मैंने रीअरेंज कर दिया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 को मैंने पहले लिख दिया, अब ये एक टर्म हो गई और एक टर्म ये हो गई, कुल मिला के 2 टर्म्स हो गई, तो इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, अब इसको सॉल्व कर लेंगे 5 1 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 24, 7 6 जा तो 42 हो गया, 4 3 जा 12 2 जा 24 बन जा 24 हो गया, क्लियर है ना बेटा, 5 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 24 2 जा 48 4 कैरी 24 4 जा 96 और 4 100, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009, फिर लिख लेना सिंस गिवन नंबर है मोर देन टू फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के इस कैलेंडर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक के लिए आप लोग आज का ये वीडियो देखें और पिछले वीडियो अगर रह गए हैं तो उनको कंप्लीट करके अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है ना भाई, कल हम इसको दी एंड कर लेंगे, बाकी का आपको ही करना है, तो कल आपका एक चैप्टर कंप्लीट
हो जाएगा। धन्यवाद।